दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पिता अपनी ही बेटी से शादी कर लेता है। इस देश के एक संगठन ने एक व्यक्ति को मारने के लिए 24 करोड़ का इनाम रखा था। अगर आप किसी महिला को कुछ समय के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आपको इस देश में जाने की जरूरत है। यहाँ आप पैसों के दम पर किसी भी महिला को अपनी पत्नी बनाकर रख सकते हैं। यहाँ की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत होती हैं और 70% आबादी 30 साल से भी कम उम्र की है। तो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे उसका नाम है ईरान, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, एक बार ईरान के कुछ संगठनों ने ब्रिटिश लेखक सलमान रशीद पर एक इनाम रखा था कि जो भी उन्हें जान से मारेगा उसके बदले उन्हें 24 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, इस लेखक पर इतना बड़ा इनाम रखने का कारण था कि सलमान रशीद ने अपनी एक किताब द सेनेटिक वर्सेस में इस्लाम के नबी मोहम्मद पैगंबर के बारे में बुरी बातें लिखी थी। दोस्तों, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जो दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादक है और तेल भंडार के मामले में ईरान चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों, दुनिया में जितना भी तेल पाया जाता है उसका 10% अकेले ईरान के पास है। ईरान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। दोस्तों, 1935 से पहले ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था और पर्शिया को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता रहा है। दोस्तों, पर्शियन भाषा में ईरान का मतलब होता है आर्यों की भूमि। ईरान में सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अमेरिकन मूवीज और सीरियल्स पर भी बैन लगा हुआ है। पर यहाँ पर अमेरिकी मूवीज के लोग इतने दीवाने होते हैं कि यहाँ पर कुछ समय पहले अमेरिकी मूवीज की डीवीडी ब्लैक में बेची जाती थी। साल 1979 से पहले ईरान के लोग काफी मॉडर्न थे और अंग्रेजों की तरह जिंदगी गुजारते थे, लेकिन साल 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति आई और फिर ईरान में सख्त इस्लामिक कानून लागू कर दिया गया। दोस्तों, ईरान की संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर कोई भी मर्द किसी भी महिला से कुछ दिन, कुछ हफ्तों या फिर कुछ घंटों के लिए शादी कर सकता है और इस रिवाज को ईरान में सीही नाम से जाना जाता है। ईरान में अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या कुछ गलत होता है तो यहाँ पर अपराधी के बदले लड़की की माँ को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर लड़की की माँ ने लड़की को संभाल कर रखा होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। ईरान के लोगों की इस तरह की सोच ही इसे दूसरे देशों से अलग बनाती है। दोस्तों, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है पर यहाँ फिर भी प्रतिवर्ष 8000 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। हालांकि शराब पर यहाँ पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 में ईरान की संसद में एक कानून पास किया गया था जिसमें एक पिता गोद ली हुई या सौतेली बेटी से शादी कर सकता है, पर लड़की कम से कम 13 वर्ष की होनी चाहिए। और इसका कारण है कि ईरान में लड़कियों की शादी करने की उम्र 13 साल रखी गई है, मतलब 13 साल की बच्ची यहाँ पर बालिग मानी जाती है और 15 साल का लड़का बालिग होता है। दोस्तों, ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। दोस्तों, ईरान में लगभग 95% लोग शिया मुस्लिम हैं, जबकि 5% से भी कम लोग सुन्नी मुसलमान हैं। बेटी से विवाह करना, जिस्म फरोशी, 1 घंटे के लिए शादी, ये सारी चीज़ें सिर्फ शिया मुस्लिम मानते हैं। दोस्तों, ईरान में लोग खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि फर्श पर खाते हैं। साथ ही ईरानी लोगों का यह भी मानना है कि दही एक जादुई खाना है और इसे खाने से उम्र बढ़ती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रात में जल्दी सो जाइए। जो लोग देर रात तक जागते हैं वह कम उम्र तक जीवित रहते हैं। इसीलिए ईरान में रात 11 बजे के बाद इंसान दिखाई देना ही बिल्कुल बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ईरान में लोग 15 वर्ष की आयु से वोटिंग कर सकते हैं। अगर ईरान में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है या बलात्कार करता है तो वहाँ की पुलिस उस लड़के पर दबाव बनाती है कि वो पीड़ित लड़की से शादी करे। वो बात अलग है कि शादी के 1 घंटे बाद पुरुष उस महिला को तलाक दे सकता है। तो दोस्तों, ये था ईरान। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।